कितना बड़ा पढ़ा लिया है, कितना बड़ा चोरी किया है, कितना बड़ा डकैत था वो जो उसको तुम मारा इतना बेरहमी से। हम तो यही मांग करेंगे कि जो जो उसको मारा है वो एकदम से नौकरी से खारिज हो, नौकरी से खारिज मिलना चाहिए, या तो फांसी का ऑर्डर दो पब्लिक, तो मार पीट के छोड़ भी देगा थाना वाला, तो मार के फेंक दिया, थोड़ा सा रहम करेगा, मार पीट के छोड़ देगा, लेकिन पुलिस वाला इतना बड़ा डकैत था, कितना बड़ा डकैत था वो। हमारा बेटा मरा है उसके लिए हमको उसके लिए मौत चाहिए, जैसे हमारा बेटा मरा है उसके लिए वही मौत चाहिए, चाहे फांसी की सजा दीजिए या उम्र कैद की सजा दीजिए, हमको सजा का मांग। क्या होता है तो क्या होता है, फिर कहीं नौकरी दे दिया उसको, उसे क्या दिल में तसल्ली होगा, इस माँ का दिल में क्या गुजर रहा, इसका आवाज नहीं निकल रहा है, और दो तीन को नहीं ना था, एक ठो इकलौता था, घर का हाल देखिए, पूरा घर बिखर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मृतक युवक के पिताजी जुड़ चुके हैं, इनके आप देख सकते हैं हुलिया से इन पे जो विपदा हुई है वो आप देख के समझ सकते हैं। कैसे हैं चचा आप अभी? बहुत बेहाल में हैं हम हैं, और हमारा बेटा के जो है प्रशासन मार दिया, थाना में रख करके प्रशासन मार दिया जान से, और हॉस्पिटल में फेंक के भाग गया, और पूरा थाना में जो है ताला बंद करके पूरा प्रशासन भाग गया, हम लोग मरे हुए घोषित जो है से किया गया हॉस्पिटल स्टाफ, जो हम लोग रोड जाम किए, और रोड जाम करने के बाद हमको बोला गया कि जो कि मतलब ये होगा वो होगा, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हुआ है, सब ESP DSP छोटा बाबू बड़ा बाबू सब भागे हुए हैं, कोई आश्वासन नहीं दिया कि क्या हम मुआवजा देंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, कोई आश्वासन नहीं मिला है। आपको प्रशासन की कार्रवाई से क्या लग रहा है, क्या आपके बेटे को जो हत्यारे हैं उनसे आपको इंसाफ मिल पाएगा? हमको चाहिए जो ड्यूटी में था जो मारा है हमको उसका, जैसे हमारा बेटा मरा है उसके लिए हमको उसके लिए मौत चाहिए, जैसे हमारा बेटा मरा है उसके लिए वही मौत चाहिए, चाहे फांसी की सजा दीजिए या उम्र कैद की सजा दीजिए, हमको सजा का मांग, हमको इंसाफ चाहिए, आप क्या सजा दीजिएगा हम नहीं निर्भर करेंगे। उनकी शादी हुई थी? जी नहीं, थे 24 साल के लड़का के हम शादी करेंगे, अभी तो फूट के जवान हुआ था, और जवान में जो है उसको मारा गया। आपका एक लौता बेटा था? एक लौता बेटा है, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं था, वही था, और मेरा बूढ़ा शरीर है, अब हम कहाँ जाएंगे कमाने, 10 साल से हम बैठे होंगे। क्या चाहते हैं अब आप? हम मुआवजा चाहते हैं, और जो प्रशासन मारा है ना उसको सजा चाहिए हमको, उसका जो है नौकरी भी ख़त्म हो जाए और उसको उम्र कैद के सजा हो। बिल्कुल, तो देख सकते हैं एक बेटे को जाने के गम में पिता का हाल कैसा हो गया है, अब देख सकते हैं और भी इनके जो घर में गार्जियन हैं उन लोगों से भी बात करते हैं। लोग पहुंच चुके हैं युवक की माँ के पास, आप देख सकते हैं इनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, थोड़ा हाल चाल ही जान लेते हैं, इस मौके पे कुछ बात भी करना सही नहीं है, लेकिन हम लोग आए हैं तो कुछ दर्द जानते हैं। कैसे हैं चाची अभी आप? ठीक नहीं है ना? देख सकते हैं चाची बोल भी नहीं पा रही है, इनका रो रो कर हाल बुरा हो गया है, पूरे घर में मातम परसा हुआ है, एक इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ चाहिए। प्रशासन की ओर से कैसा सपोर्ट मिल रहा आप लोग को इंसाफ दिलाने में? कुछ नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, अभी मिलता तो इसी तरह बच्चा रहता मेरा, मार के फेंक दिए, क्या किया, कुछ नहीं किया, पुलिस लोग मार के फेंक दिए, पुलिस लोग मार के फेंक दिए, बच्चा कुछ नहीं मिला, किस पर भरोसा करे आदमी, पब्लिक पर भरोसा करे, ये पब्लिक मार देंगे, पुलिस रखेंगे अच्छा से, वो भी मार के फेंक दिए, वो भी मार के फेंक दिए। हाँ, इनका मौसी खाला हैं यहाँ हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पूरे घर में मातम परस गया, एक जवान बेटा खो दिए हैं आप लोगों ने, क्या बोलेंगे, जिसका गया उसका तो चलिए गया, घर संसार सब उजड़ गया, अब 10 गो नेता आगा फलाना ढिकाना बोलेगा,
बोलने का बाद सब चल जा रहा है। अरे बोलो ऐसा कि सब आओ तो 10-5 मदद भी दो, ये होता है मदद। बिल्कुल बिल्कुल, आए भाषण मार के सब चल गए हैं, तमाशा बना के सब चल गए। ऐसे ही होता है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इंसाफ कैसा होता है? आए भाषण मारे, ये होगा वो होगा फलाना होगा ढिकाना होगा, चल दिए। अभी कल क्या होगा? आप ही लोग झेल रहे हैं। कल क्या होगा? आप ही लोग को देखना होगा। जो कमाने वाला वो चल गया, बूढ़ा बाप है, एक ठो कुमारी लड़की है, उसका क्या होगा? कल का खर्चा कौन चलाएगा? कल जो इतना बड़ा प्रोग्राम है उसको कौन ये करेगा, हैंडल करेगा? सोना जैसा तो लाल चल गया इसका, एक ठो इकलौता था, मजा लेने वाला सब ले रहा। देख सकते हैं परिवार की पीड़ा, काफी लोग परेशान हैं कि आखिर कल क्या होगा। आज तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो परिवार पूरा बिखर चुका है। अब देख सकते हैं सभी के आंखों में गमगीन है, मैं भी गमगीन हो जा रहा हूं इनकी परेशानियों को सुनकर। और भी लोग हैं यहां हैं, कौन हैं आप, उनके कौन लगते हैं? मामी, छोटी मामी, का बोलेंगे, बोलने में से तो कुछ रखिए नहीं दिया। मेरा एगो भेगना था तो वही तो चल गया, ऐसा कोई मारता नहीं, इतना बेरहमी नहीं मारता कोई, मैंने सब मार दिया। इसका तो इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। पुलिस से लोग तो इंसाफ के, थाना वाला कोई मारता है पब्लिक से बचाता है, थाना में डालता है कि थाना में सेपरेट रहेगा बच्चा मेरा। बिल्कुल, जब थाने ही वाला पुलिस ही वाला ऐसा करेगा तो पब्लिक में क्या हो? जब पुलिस राक्षस हो गया है, पुलिस राक्षस हो गया है तो पब्लिक में क्या होगा? पुलिस तो लोगों की रक्षा के पब्लिक लिए होती तो मार पीट के छोड़ भी देगा, थाना वाला तो मार के फेंक दिया। पब्लिक वाला थोड़ा सा रहम करेगा, मार पीट के छोड़ देगा, लेकिन पुलिस वाला इतना बड़ा डकैत था, वो कितना बड़ा डकैत था वो, जो उसको एकदम डायरेक्ट मार ही दिया। सब मर्डर कर करके आता है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, मर्डर कर करके आता है, सब छूट जाता है। वो कितना बड़ा मर्डर किया है, कितना बड़ा चोरी किया है, कितना बड़ा डकैत था वो, जो उसको तुम मारा इतना बहरमी से। हम तो यही मांग करेंगे कि जो जो उसको मारा है वो एकदम उसको नौकरी से खारिज हो, नौकरी से खारिज मिलना चाहिए, या तो फांसी का ऑर्डर दो उसको भी। वैसे तड़प तड़प क्या होता है, वो क्या होता है? मेरा भाई उसने जान है क्या मारा है, उसको बैठा दिया फिर कहीं नौकरी दे दिया उसको, उसे क्या दिल में तसल्ली होगा? इस माँ का दिल में क्या गुजर, इसका आवाज नहीं निकल रहा है। और 2-3 को नहीं ना था, एक ठो इकलौता था। घर का हाल देखिए, पूरा घर बिखर गया। अब इन लोग ससुरारी लड़की है, कौन देखेगा इसको? ससुराल में कोई मानेगा कि नहियर में तुम रह के माँ को देखो? जो देखने वाला तो वही चलेगी। देख सकते हैं घर की हालात, अब स्थिति देख सकते हैं। आज इनका सुबह में ही अंतिम संस्कार हो चुका है और प्रशासन की ओर से भी न्यायिक जांच की प्रक्रिया चल रही है। जब किसी परिवार में इकलौता बेटा हो, माँ और बाप उम्र दराज हो चुके हो, घर चलाने वाला कोई ना बचे, तो कल्पना कीजिए कि वह परिवार किस कदर दर्द और पीड़ा से गुजर रहा होगा। आम आदमी पुलिस और प्रशासन को अपना रक्षक मानती है, लेकिन सोचिए जब वही रक्षक भक्षक बन जाए तो न्याय और सुरक्षा की उम्मीद किससे की जाए।